ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से समझौते का प्रस्ताव रखा गया है मुस्लिम पक्ष के लिए। हमारे साथ बातचीत के लिए हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि एक समझौता के लिए मुस्लिम पक्ष के यहाँ प्रस्ताव रखा गया है, क्या? नहीं, देखिए, जहाँ तक हमारा सवाल है और हमारी पार्टीज़ का सवाल है, हम इस मैटर में किसी भी तरह से कोई बातचीत के टेबल पर नहीं बैठेंगे और ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ की टॉक्स करेंगे, ना कॉम्प्रोमाइज़ में शामिल होंगे। और मेरा बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि कॉम्प्रोमाइज़ लीगली पॉसिबल भी नहीं है। भगवान की संपत्ति है ये, पूजा के अधिकार की मांग है, जो औरंगज़ेब ने हम लोग के साथ बर्बरता की उसको रेस्टोर करने के लिए लीगली उसको लड़ाई लड़के जीतने का ये जो काम है हम कर रहे हैं कोर्ट के माध्यम से, और इसमें कोई समझौता हो नहीं सकता है। जो बैरिकेडिंग के अंदर ज़मीन है उसका एक इंच भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, और ना इसके एवज में कोई ज़मीन दे सकते हैं, ना आगे जो मंदिरों की लड़ाई होने वाली है उस पर कोई समझौता कर सकते हैं, ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर समझौता कर सकते हैं। इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव सूट है, पूरे समाज का मुद्दा है, और कोई इंडिविजुअल या कोई पार्टी इसमें समझौता करने के लिए अधिकृत नहीं है, और ना हम कोई समझौते की बातचीत की टेबल पर बैठेंगे, ना समझौता हम इसमें लीगली पॉसिबल है, ये मेरा क्लियर स्टैंड है। सर, अब मामला कोर्ट में विचाराधीन है, एसआई सर्वे कमीशन की टीम लगातार परिसर में सर्वे कर रही है, ऐसे में विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से समझौता का प्रस्ताव भेजना किस तरह से? देखिए, मैंने तो अपनी बात आपके सामने लीगली रख दी ना, अभी मैंने आपको पूरा जो अपना स्टेटमेंट दिया है वो एक लीगल स्टेटमेंट है कि यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है और एक आदमी मिलके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है, लीगली ये कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल नहीं है, और हम एक इंच का भी समझौता नहीं करेंगे बैरिकेडिंग के अंदर की ज़मीन का, ना इसके एवज में कोई ज़मीन देंगे, ना आगे जो मंदिरों की लड़ाई होने वाली है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो कोर्ट का जो निर्णय होगा, हाँ, कोर्ट का जो निर्णय होगा वही उसको मान्य होगा, और कोर्ट में इसलिए हम लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अगर कोई हम किसी भी समझौते की टेबल पर नहीं बैठेंगे, बातचीत की टेबल पर बैठेंगे ही नहीं ज्ञानव्यापी के लिए। तो ये थे हमारे साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि किसी भी तरह के समझौते के टेबल पे हम लोग नहीं बैठेंगे, कोर्ट का जो निर्णय होगा इस पूरे मामले में वही मान्य होगा। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।